ओम शांति। 21 जून 2022। ज्ञान मुरली। मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच यह तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। प्रश्न, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? उत्तर, मनुष्य से देवता बनना यह ऊंची चढ़ाई है जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी है, चढ़े तो चाखे प्रेम रस। यह बहुत लंबी चाड़ी है, लेकिन वंडर है जो चढ़ते हैं 1 सेकंड में और उतरने में टाइम लगता है। दूसरा प्रश्न, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? उत्तर, दिखाते घड़े से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म होता है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहाँ सुख शांति हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना भक्ति मार्ग का। पुकारते हैं कि इस पति दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में बैठा है कोई और दुनिया है जहाँ शांति भी थी, सुख भी था, महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनों की चित्र भी यह है। मनुष्य जो हिस्ट्री जागरूकी पढ़ते हैं वह तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है, आधा कल्प की भी नहीं है। सतयुग त्रेता का तो किसी को पता ही नहीं है, आँख ही बंद है जैसे काने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री जागरूकी कोई जानते ही नहीं है। वर्ल्ड कितनी बड़ी है, कब नई वर्ल्ड शुरू हुई है, फिर पुरानी होती है, फिर पुराने से कब नई बनती है, यह तुम बच्चे अभी जानते हो। बनेगी तो ज़रूर, गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन में आना ही है। कलयुग के बाद सतयुग फिर जरूर होगा। संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा, यह समझाने की बड़ी युक्तियाँ चाहिए। कलयुग को सतयुग बनाने वाला बाप ही है। इतनी सहज बातें भी किसी की बुद्धि में नहीं आती है, क्योंकि बुद्धि को माया का ताला लगा हुआ है। परमपिता परमात्मा की महिमा भी गाते हैं, हे परमपिता परमात्मा, बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो, और सब आसुरी मत देने वाले हैं, श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों को अभी तीनों लोकों का ज्ञान है, ऐसे नहीं सिर्फ वर्ल्ड का ज्ञान है, वर्ल्ड से भी तुम आगे जानते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये तीनों लोकों का बुद्धि में ज्ञान है। जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं उनों की बुद्धि में है। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पूरी रीति बुद्धि में रहनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो, तुमको त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, त्रिलोकी नाथ कोई बनता नहीं है। त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है, तीन लोक तीन काल को तुम जानते हो बरोबर। हम मूल वतन में रहते हैं, हम आत्माएं वहाँ निवास करती है, ये ज्ञान और किसी की बुद्धि में है नहीं। ये तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत तीनों कालों को और त्रिलोक को जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को वैकुंठ नाथ कह सकते हैं, त्रिलोकी नाथ नहीं। वे हेविन वा स्वर्ग के मालिक है, बाप को पैराडाइज का मालिक नहीं कह सकते हैं। तो यह भी समझने की बातें हैं, परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। कहते भी है, परमात्मा जानी जाननहार है, नॉलेजफुल है, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। समझते हैं जानी जाननहार तो सभी के दिलों को जानते होंगे, सर्वव्यापी का ग्लानी कर देते हैं। अभी तुम तो ईश्वरीय वंशावली हो, फिर दैवी वंशावली बनेंगे। ईश्वर बड़ा व सतयुग के देवताएँ बड़े, उन देवताओं से बड़े सूक्ष्मतनवासी देवता है। सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे, वह है ही अव्यक्त। यह तो व्यक्त है ना, जब पावन फरिश्ता बनते तब महिमा है। ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वह अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं, इसीलिए विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। शंख चक्र गदा पदम, अब इनका अर्थ भी तुम समझ गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र देंगे नहीं, यह अभी की बात है। वास्तव में यह ज्ञान अस्त्र शस्त्र है, स्थूल हथियारों की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो स्थूल हथियार आदि है, पांडव और कौरव की सेना दिखाई है, परंतु उसमें फीमेल को नहीं दिखाया है। पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं, बाकी शक्ति सेना कहाँ गई यह है गुप्त।
कोई को पता ही नहीं है। यह शिव शक्तियाँ कहा गई, इनका वृत्तांत तो कुछ भी दिखाते हैं। शक्तियों ने कैसे लड़ाई की, सेना दिखाते तो है ना, किसको भी समझ में नहीं आता है। जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया है। यथार्थ रीति अभी तुम जानते हो, हम सब एक्टर्स है, हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो। इनमें चार युग है अथवा चार भाग है, जिनको एपिक युग कहते हैं। वास्तव में है पांचवा, यह कल्याणकारी युग है। सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि उतराई होती है। सत्वप्रधान सत्वरजो तमो, यह है सीढ़ियाँ, तो सीढ़ी उतरती ही उतरनी पड़ती है। ज्ञान में तुम एक ही बार गैलअप करते हो, फिर ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ी उतरते ही जाते हो। सीढ़ी उतरना बड़ा सहज होता है, चढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है। तुम कितनी मेहनत करते हो, मनुष्य से देवता बनना ऊँची चढ़ाई है। कहते हैं ना, चढ़े तो चाके प्रेम रस। जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर गिरते हो तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। कितना समय लगता है, यह बहुत लंबी चढ़ाई है। तुम जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर उतरेंगे। सेकंड लगता है चढ़ने में, पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं। अबलाओं माताओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियाँ पुकारती है, बाबा नंगन होने से बचाओ। ढेर बच्चियाँ है, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। मारते हैं तो उनों का पाप का घड़ा भरता है, जो भर कर फूट जाता है। दिखाते हैं ना, घड़े से सीता निकली। अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो, राधे भी निकली हो तो सीता भी निकली हो। रघुपति राघव राजा राम लिखने से सीता का नाम डाल दिया है। जगत अम्बा जगत पिता ही फिर राज राजेश्वरी बनते हैं। यही लक्ष्मी नारायण थे, फिर अंत में देखा क्या बन जाते हैं। सतयुग में कोई इतने 33 करोड़ मनुष्य नहीं थे, वहाँ तो बहुत थोड़े होते हैं। बाद में वृद्धि होती जाती है। दैवी संप्रदाय ही पुनर्जन्म लेते लेते फिर आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। अभी आसुरी संप्रदाय को फिर दैवी संप्रदाय बना रहे हैं, कलप कलप बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है, तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो। तीनों लोगों को भी नॉलेज मिली है। तुम कहेंगे हम पूज्य वैकुंठ नाथ थे, अब पुजारी नरक के नाथ बने हैं। हम सो का यथार्थ अर्थ न जानने के कारण ही आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना फर्क कर दिया है, अभी तुमको समझाया है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जागरूपी है, तुम इस बेहद के चक्र को भी जान गए हो। तीनों लोकों को, तीनों कालों को भी तुम जानते हो। ये गुप्त बात बाप पढ़ाती है, किसी को पता नहीं है। गीता में कोई ऐसी बातें थोड़ी है। यह नॉलेज जिसके पास है वही सिखलाएंगे, फिर अपना पाठ उसी समय रिपीट करेंगे। क्राइस्ट अपना पार्ट अपने समय पर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बनते हैं। चक्र फिरता रहता है। इस्लामी बौद्ध फिर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। जब एक देवी देवता धर्म रहता है तो और सभी धर्म रहते नहीं है। वर्ड तो एक ही है ना। बाप ने क्रिएटर और क्रिएशन का राज समझाया है। हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। क्रिएशन का वर्षा मिलता है रचिता बाप से, भाई भाई को वर्षा देते हैं। यह कब सुना, बच्चे समझते हैं। एक तो है हद का बाप, वह भी सभी को मालूम है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने से कोई सारे सृष्टि के मालिक थोड़ी बनते हैं। यह बेहद की बातें हैं। हद वाले सभी उस बेहद बाप को याद करते हैं, उनको कहते ही है बाबा, शिव बाबा। क्रिएटर को बाबा कहेंगे ना, श्री बाबा हल्का नाम है इसीलिए शिव बाबा कहते हैं। वह है ही निराकार। पूछा जाता है शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है, कहते हैं ना शिव बाबा झोली भर दो। बाबा का शिव नाम एक्यूरेट है, शंकर का चित्र अलग है। शिव और शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना, यह तो बड़ी भारी भूल है। ऊँचे तेउच बाप को भूल गए हैं। चित्र बहुत अच्छे हैं। ब्रह्मा द्वारा अब स्थापना हो रही है, ज्ञान भी अभी मिलेगा। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कहाँ से आए, उनको एडाप्ट करता हूँ। ब्रह्मा को भी एडाप्ट किया है, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए।
तुम जानते हो अब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। प्रजापिता अक्षर जरूर डालना है, श्री ब्रह्मा का देने से ब्रह्मा नाम तो बहुतों का है। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो कोई का नहीं होगा, यह तो मनुष्य है ना। रुद्र शिव बाबा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है, जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो ब्राह्मण कैसे होते हैं, यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। तुम ब्राह्मण हो फिर सो देवता बनना है, आना फिर इस सृष्टि पर है, फिर यह सभी काश जाएंगे। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाह हो जाते हैं, पुरानी दुनिया की आहुति इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में पड़ती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है, शंकर द्वारा विनाश गया हुआ है, आसार भी बरोबर देखते हैं, यहूबहू वही समय है। गाया हुआ है यूरोपवासी यादव कौरव और पांडव, भारतवासी अपने धर्म को ही भूल गए हैं। चित्र भी है लेकिन किसी को पता नहीं है। देवी देवताओं का राज्य था परंतु उनको यह राज्य किसने दिया, देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई ये बिल्कुल नहीं जानते। जो धर्म स्थापन करते हैं वही समझाते हैं, और कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री जागृति समझा न सके, तीनों लोकों का ज्ञान कोई दे न सके। सबके पाठ को तुम समझ गए हो, यह सब फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे, आगे चलकर तुम्हारी महिमा भी बढ़ती जाएगी। वृद्धि जल्दी होनी है तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा, ड्रामा में पाठ है, समझते हो कितने बच्चे आएंगे। वृद्धि को पाते ही रहते हैं, आएंगे भी शिक्षा लेने के लिए, बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आते हैं। समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आदि आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी है। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री जागृति, सारे क्लब के चक्रों को कोई भी नहीं जानते। तुम अब ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बेहद की हिस्ट्री जागृति पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिवान बनना है। यह ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। वरदान, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, लेकिन खुशबू नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात श्री ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारापन, बाप के सिवाय और कोई किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी, ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। स्लोगन है, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू।